हेलो, मैं इंजीनियर डीपी यादव, अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये सेल का चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे एनटीपीसी की आप तैयारी कर रहे हो, टेक यानी नॉन टेक की तैयारी कर रहे हो, इसरो की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हो, एचएएल की तैयारी, किसी भी चीज़ की, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो तमाम आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, वो इस सेल से हमेशा पुट अप होते हैं। चाहे आप एएसएम की परीक्षा दे रहे हों, चाहे गुड्स गार्ड की दे रहे हों, किसी भी, चाहे टेक्निकल जेई की दे रहे हों, किसी भी चीज़ का आप इस टाइप से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप खुद देखते होंगे कि सेल इतना महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि इंटरमीडिएट में जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये चैप्टर, ये टॉपिक, तो उसे भी जानना चाहिए, उसे भी सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और हम लोगों ने पिछले उस चैप्टर में, वीडियो में देखा कि सेलों को श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ते हैं तो हमें कब लाभ होता है, जब बाह्य प्रतिरोध यानी हमारे पंखे का या हमारे बल्ब का जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, उसी को बाह्य प्रतिरोध कहेंगे, तो वो जब ज़्यादा हो तब हम, आंतरिक प्रतिरोध हमारे सेल का कम हो तब हमें उसे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर लाभ होता है, अथवा हम कहेंगे हमें धारा अधिक प्राप्त होती है। अब हम लोग उससे आगे चलते हैं, अब हम लोग जोड़ेंगे सेलों को समांतर क्रम। सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना, पहली पॉइंट हम लोग लिखेंगे, चित्र भी बना देते हैं, यहां पर चित्र बना देते हैं। ये हमारा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर ओम है, ये बाह्य प्रतिरोध है, ये सेल का धन सिरा है, ये ऋण सिरा है, ये स्मॉल आर ओम इसका रेजिस्टेंस है, ये भी स्मॉल आर ओम है और ये भी स्मॉल आर ओम है। ऐसे कुल एन सेल जुड़े हुए हैं, एन सेल, एन सेल जुड़े हैं समांतर क्रम में। सबका विद्युत वाहक बल ई वोल्ट है, इसका भी ई वोल्ट है और इसका भी ई वोल्ट है। अब हम लोग जानते हैं कि समांतर क्रम में हर जगह वोल्टेज बराबर होता है, तो कुल वोल्टेज परिपथ का ई ही वोल्ट होगा, और समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध अगर जोड़ेंगे तो कुल आंतरिक प्रतिरोध यहाँ से देखेंगे कि एक बटे आर बराबर एक बटे आर वन धन एक बटे आर टू वाले फार्मूले से जुड़ेगा। प्रतिरोधों को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ना इससे पहले देखे हैं, तो
तो अभी हम लोग उसको देखते हैं, यहां से धारा अब आपकी आई चलेगी। पाली पॉइंट हम लोग लिखें, इसकी पाली पॉइंट क्या है, जब आप देखें कि सभी सेलों के धन सिरे एक साथ और ऋण सिरे एक साथ, चित्र में देखें सभी सेलों के धन सिरे एक साथ तथा ऋण सिरे एक साथ जोड़ दिए जाएं, तो ऐसे संयोजन को समांतर संयोजन कहते हैं। तो पाली पॉइंट लिख लें, जब सभी सेलों के धन सिरे को अंग्रेजी में टर्मिनल भी कहते हैं, धन सिरे को एक साथ तथा ऋण सिरों को एक साथ जोड़ दिया जाए, तब उसे समांतर संयोजन कहते हैं। क्लियर हो गया? अगली पॉइंट हम लोग लिखेंगे, चित्र में आप देख रहे हैं कि समांतर क्रम में ऐसे n सेल जुड़े हुए हैं। तो अगली पॉइंट हम लोग लिखेंगे, चूंकि समांतर क्रम में आपको लिखाया गया है कि समांतर क्रम में हर जगह वोल्टेज समान होता है, अतः लिखेंगे समांतर क्रम में प्रत्येक जगह विभव समान होता है या प्रत्येक इक्विपमेंट पर विभव समान होता है, अतः प्रत्येक पर विभव अथवा विद्युत वाहक बल यहां पर विद्युत वाहक बल हो जाएगा, EMF हो जाएगा, अतः विद्युत अथवा विद्युत वाहक बल ई वोल्ट होगा। प्रत्येक पर विद्युत वाहक बल, यहां भी ई वोल्ट, सब जगह ई वोल्ट ही रहेगा, ध्यान से देख लें। अगली पॉइंट लिख लें, तीसरी पॉइंट लिख लें, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, यहां पर लिखेंगे एक बटे n सेल है, एक बटे आर एन लिख देते हैं, इसका मतलब कि एन सेलों का कुल प्रतिरोध हो गया, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध कोष्ट में आर एन, ये हो गया कुल प्रतिरोध। एक बटे आर एन बराबर हो जाएगा एक बटे आर
प्लस एक बटे स्मॉल आर प्लस एक बटे स्मॉल आर प्लस डॉट 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 कहाँ तक, यन तक, ऐसे लिख लेंगे यन तक। अब अगली लाइन में लिखेंगे तो हो जाएगा एक बटे आर एन बराबर, सबके हर बराबर हैं इसलिए ऊपर से जुड़ जाएगा, तो जैसे तीन है तो यहाँ पर तीन बटे आर हो जाएगा, ऐसे ही यन तक रहेगा तो हो जाएगा यन बटे आर। देख लें जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर की संख्याएं केवल दो लेंगे तो यहाँ दो बटे आर हो जाएगा, तीन लेंगे तो तीन बटे आर हो जाएगा, ऐसे ही चार लेंगे तो चार बटे आर हो जाएगा, ऐसे ही यन लेंगे तो हो जाएगा यन बटे आर। अब हमें जो है एक बटे आर एन का मान न ज्ञात करके हमें सिर्फ आर एन का मान ज्ञात करना है, अतः इसे पलट देंगे तो लिखेंगे, अतः इसे पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा आर एन बराबर आर बटे एन ओम, ये हो गया ऐसे। यानी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध आर एन का मान आ गया स्मॉल आर बटे स्मॉल एन ओम, ये ध्यान रखें। अगली पॉइंट, अब हम लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध परिपथ का कुल प्रतिरोध डैश मारेंगे तो ये कुल प्रतिरोध हो जाएगा। अब देखें इसको अगर आप एक यूनिट मान लें इतने को तो ये इसके साथ जुड़ गया श्रेणी क्रम, इस क्रम में जुड़ गया, सारे सेलों को एक यूनिट बना देंगे, एक बैटरी के या एक बर्तन के अंदर कनेक्ट कर देंगे तो ये एक यूनिट जैसा काम करने लगेगा और इसके साथ फिर ये जुड़ जाएगा श्रेणी क्रम में, तो कुल प्रतिरोध का मान हो जाएगा श्रेणी क्रम में, अब हो जाएगा परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा तो कैपिटल आर प्लस सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बटे एन ओम, इतना हो गया। अब हम धारा का मान ज्ञात करें तो धारा कितना होगा, तो आप कहेंगे धारा के लिए अगर फार्मूला हम लोग लिखें बेटा तो लिखेंगे धारा कुल धारा आई बराबर या कुल धारा को आई से डिनोट करते हैं तो कुल धारा आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध इसमें मान रख देंगे तो कुल विद्युत वाहक बल हर जगह ई ई ई बोल्ट ही रहेगा तो लिखेंगे ई बटे कुल प्रतिरोध हो जाएगा, ये आपका आया यहाँ से देखिए कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बटे एन, तो यहाँ लिख देंगे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बटे एन, तो इस तरह से आई के लिए फार्मूला हो गया इतना, अतः लिख देते हैं यहाँ पर, अतः कुल धारा आई बराबर कुल धारा आई बराबर हो गया कैपिटल ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बटे एन, ये हो गया इतना एम्पीयर। इसे हमें याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे अगर इसी फार्मूले को हम लोग लिखें तो हम लोग इस तरह से भी इस फार्मूले को लिख सकते हैं, इस फार्मूले को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर यन से गुणा कर दें तो हो जाएगा यन, सरल करें तो हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग यन ई बटे यन कैपिटल आर प्लस
स्मॉल आर। तरह से हम लोग दोनों फार्मूला याद रखें, ये भी, और इस फार्मूले को ही हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हमें समांतर क्रम में जोड़ने पर कब लाभ होगा। तो ये पॉइंट हम लोग देखें, अगली पॉइंट, छठी पॉइंट अगर इसमें हम लोग देखें कि हमें समांतर क्रम में जोड़ने पर कब लाभ होगा, तो यहाँ पर देखें, अगर हम लोग इस फार्मूले को देखें तो ये फार्मूला हमारा जो है आंतरिक प्रतिरोध को जो है अगर हम लोग जो है अधिक हो और ये जो है हमारा बाह्य प्रतिरोध जब कम, यहां से देख लें, I बराबर E बटे कैपिटल R प्लस आर बाई एन। अब हमारा यदि बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत कम, देखिए ना यहाँ से बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत कम हो, यानी हम कहेंगे इस टाइप से कहें कि यदि कैपिटल आर इज लेस देन आर बाई एन हो, तब कैपिटल आर को नगण्य कर देंगे, तब कैपिटल आर को नगण्य मान लें, तब क्या हो जाएगा, तब यही फार्मूला हो जाएगा हमारा, I बराबर कैपिटल E बटे R बटे N, इस टाइप से हो जाएगा, और N ऊपर चला जाएगा तो बराबर हो जाएगा N गुणे E बटे R। ध्यान से देखें, ये R है, ये N है, इस टाइप से हो गया। चूंकि हम लोग R को नगण्य मान रहे हैं अथवा शून्य कर दे रहे हैं, यदि कह रहे हैं आर इज लेस देन आर बाई एन हो, तब क्या होगा, आर को हम नगण्य मान लेंगे, तो आर को यदि नगण्य अथवा जीरो मान लें तो फार्मूला हो जाएगा ई के बटे स्मॉल आर के बटे एन। तो ई के बटे स्मॉल आर के बटे एन लिख दिया, अगली लाइन में इसे ऊपर ले जाएंगे तो भिन्न पलट जाएगा, तो हो जाएगा एन गुड़े ई बटे आर, अथवा इसी बात को हम बराबर लिख सकते हैं एन गुड़े एक सेल की धारा। एक सेल की धारा, ये देखें, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसे एक सेल की धारा E बटे R क्या है, एक सेल की धारा, इसका विद्युत वाहक बल, यहाँ देखें फिगर में विद्युत वाहक बल हर का प्रत्येक का कैपिटल E वोल्ट है और प्रत्येक का प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल R ओम है। अतः कुल विद्युत वाहक बल में जो आपने पढ़ा है फार्मूला कि E बराबर जैसे आपने ओम का पढ़ा है V बराबर आई आर होता है, वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा E बराबर आई आर, ऐसे हो जाएगा, और फिर यहाँ से हो जाएगा आई बराबर ई बटे आर, आई बराबर ई बटे आर यहाँ पर हो गया इस तरह से, इस फार्मूले से। तो ई बटे आर क्या है, एक सेल से मिलने वाली धारा, एक सेल से, तो वहीं लिखा गया ई बटे आर के जगह पर यहाँ पर लिख दिया गया एक सेल की धारा, अर्थात एक सेल की धारा में यन से गुणा हो गया, यन गुना हो गई। अगर ऐसे आप यन सेल जुड़े हैं तो कुल धारा जो है एक सेल की मिलने वाली धारा की यन गुनी धारा हो जाएगी, अगर 10 सेल जोड़े हैं तो 10 गुनी हो जाएगी,
और पांच सेल समांतर क्रम में जोड़े हैं तो पांच गुनी होगी। ऐसा तब होगा जब बाह्य प्रतिरोध, ये वाला प्रतिरोध जब बहुत कम, ये वाला बाह्य प्रतिरोध जब बहुत कम हो, जिसे हम नगण्य मान लें, बहुत कम हो, तब हमें ऐसे समांतर क्रम में जोड़ने पर अधिक धारा प्राप्त होती है। तो अगली पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं यहाँ से देखते हुए, अतः जब बाह्य प्रतिरोध को लोड प्रतिरोध भी कहेंगे, तो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर का मान, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर का मान सेलों के आंतरिक प्रतिरोध सेलों के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बटे एन, देखिए ना, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध आया स्मॉल आर बटे एन ओम आया है। तो सेलों का कुल हम लोग समांतर क्रम वाले फार्मूले से जुड़े हुए हैं, 1/r + 1/r + 1/r बराबर n तक है, अतः n बटे r हो गया, इसको पलट देंगे तो r बटे n हो जाएगा। तो इस तरह से सेलों का कुल प्रतिरोध हो गया है स्मॉल r बटे आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बटे n, ए लिखा हुआ है कि तुलना में बहुत कम, तब तब सेलों को, यहां लिख लीजिएगा, तब सेलों को समांतर क्रम में, तब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर अधिक धारा प्राप्त होगी, अधिक धारा प्राप्त होगी अथवा लाभ होगा। क्लियर हो गया? अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित क्रम। जब हम लोग सेलों को, कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में और कुछ सेलों को समांतर क्रम में आपस में जोड़ दें तो ऐसे क्रम को कहेंगे मिश्रित क्रम अथवा मिक्स्ड। तो अगला हम लोग चलते हैं, अब लिखते हैं सेलों का मिश्रित क्रम। सेलों का मिश्रित क्रम, एक आपको सर्किट बनाना होगा, चलिए सर्किट बना देते हैं उसको। अब आगे चलते हैं मिश्रित क्रम में। तो ये मिश्रित क्रम का एक हमने फिगर बना दिया है, देखें ध्यान से। इसमें ई बोल्ट, जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर ओम है, के ऐसे जो है एन सेल, एक लाइन में कितने सेल लगे हैं, आगे लिखा हुआ है एन सेल। तो ऐसे ऐसे हम लोग एन सेल, एक लाइन में प्रत्येक पंक्ति में एन सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये देखिए, ये आपका कौन सा है, एन सेल, ये श्रेणी में जुड़े हुए, इसमें जुड़े हुए हैं, ये श्रेणी में जुड़े हुए। और फिर इनकी यम पंक्तियाँ, कितनी पंक्तियाँ, 1, 2, 3 दिखाई दे रही है, ऐसे यम पंक्तियाँ जो है फिर आपस में ये समांतर क्रम में जुड़े। तो जब
कुछ सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हों, और फिर उसके बाद वे आपस में समांतर क्रम में जुड़े हों, तो ऐसे ही संयोजन को हम मिश्रित क्रम अथवा मिक्स्ड सीक्वेंस बोलेंगे। तो ये हमारा उसका रहा, और ये बाय लोड का जो प्रतिरोध कैपिटल आर ओम है उसको सप्लाई दे रहे हैं, उसको ये धारा दे रहे हैं। तो अब हम देखेंगे, अभी आपने पिछले उसमें टॉपिक में देखा कि जब ई विद्युत वाहक बल वाले यदि एन सेल जैसे टॉर्च में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हैं, तो एन सेल अगर जुड़े हैं तो उनका कुल विद्युत वाहक बल एन ई वोल्ट हो जाता है। तो यहाँ का कुल वोल्टेज हो जाएगा या कुल विद्युत वाहक बल आपके जानने के लिए लिख देते हैं एन ई वोल्ट हो गया एक लाइन का, ऐसे इसका भी हो जाएगा एन ई वोल्ट और इसका भी हो जाएगा एन ई वोल्ट, तथा इनका कुल प्रतिरोध हो जाएगा, कुल प्रतिरोध हो जाएगा एन आर स्मॉल, इसका भी हो जाएगा एन आर और इस लाइन का भी हो जाएगा एन आर ओम। तो इस तरह से एक पंक्ति का आप लिखेंगे, अगली पॉइंट लिख लें, प्रत्येक प्रत्येक पंक्ति में एन सेल श्रेणी क्रम में लगे हैं, अतः एक पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल एन ई वोल्ट होगा। जैसे टॉर्च में हम लोग लगाते हैं तो टॉर्च में ऐसे ही इसका ऋण सिरा इसके धन से जुड़ा, ऐसे आगे भी जुड़ा रहेगा, तो वोल्टेज बढ़ जाता है, विद्युत वाहक बल बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमारा विद्युत वाहक बल हो जाएगा एन ई वोल्ट, देख लें। और अगली पॉइंट इसी में लिख लें, और आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल एन गुड़े स्मॉल आर ओम। अब ऐसे हमारे सारे जो है सेल आपस में यम पंक्तियों में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो हमें कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। यम पंक्तियों का कुल आंतरिक प्रतिरोध कोष्ट में आर एम लिख देते हैं, तो लिखेंगे एक बटे आर एम, समांतर क्रम में यह है, ये सब समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में फार्मूला लगाएंगे एक बटे आर बराबर एक बटे आर वन धन एक बटे आर टू, तो हो गया एक बटे आर एम बराबर एक बटे एन आर, ये लिखा है। कुल आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो एक लाइन का एक पंक्ति का जो क्षैतिज है उसका प्रतिरोध एन आर है। तो इस तरह से लिखेंगे एक बटे एन आर
प्लस एक बटे एन आर प्लस एक बटे एन आर ऐसे लिख लेंगे प्लस डॉट 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 ऐसे कहाँ तक एम तक। एक प्रत्येक पंक्ति का ये प्रतिरोध जो है एन आर है और ये ऐसी एम पंक्तियाँ हैं तो हो जाएगा एक बटे एन आर धन एक बटे एन आर धन एक बटे एन आर ऐसे एम तक बराबर हो जाएगा यम बटे स्मॉल एन आर। देख लें ध्यान से, अगर तीन रहता तो सबके हर बराबर हैं तो तीन बटे एन आर हो जाता, ऐसे ही यम तक है तो हो जाएगा एम बटे एन आर। हमें आर एम का मान ज्ञात करना, स्मॉल आर एम यही है सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध हो गया, आर एम बराबर हो गया, ये इधर का भी भिन्न तब पलट देंगे तो हो जाएगा एन आर बटे एम। ये क्या है? कुल आंतरिक प्रतिरोध हो गया, यहाँ पर लिखा भी है कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान इतना आ गया, इतना ओम। अब हम लोग कुल धारा ज्ञात कर सकते हैं अथवा परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कर लें, तो परिपथ का अगर लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध हो गया परिपथ का कुल प्रतिरोध, ये भी पॉइंट लिख लें, ये हो जाएगा। अब इसको बेटा एक यूनिट मान लेंगे तब इसके साथ आप देखेंगे कि एक यूनिट होगी और इसके साथ ये सारा प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, अगर इसे आप एक यूनिट मान लें तो ये आपकी एक तरह से बैटरी रहेगी। बैटरी क्या होती है? एक बर्तन के अंदर ऐसे सारे सेलों को जोड़ देते हैं और उनका आंतरिक प्रतिरोध कुल हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, ये आंतरिक प्रतिरोध आ गया एन आर बटे एम ओम। अब कुल प्रतिरोध इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ गया है तो हो जाएगा कैपिटल आर प्लस एन आर बटे एम, इतना हो गया ओम। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग लिखेंगे कुल धारा मिश्रित क्रम में, कुल धारा लिखेंगे, कुल धारा कितनी जा रही है तो लिखेंगे कुल धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध ओम के नियम के अनुसार। देखिए V बराबर आई आर, इसलिए I बराबर V बटे R, या E बटे R कहेंगे, E बटे R कहेंगे V अथवा E बटे R। इस तरह से कुल धारा यदि कैपिटल I लेंगे तो कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध लेंगे, इस तरह से कुल धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। और समांतर क्रम में आप जानते हैं कि हर जगह का विद्युत वाहक बल बराबर होता है, तो एक लाइन का विद्युत वाहक है एन ई वोल्ट, इसका भी एन ई वोल्ट, इसका भी एन ई वोल्ट, तो अतः हर जगह एन ई वोल्ट ही होगा। तो कुल विद्युत वाहक बल का मान हम लोग लिखेंगे, अतः आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल का मान हो गया स्मॉल एन कैपिटल ई वोल्ट बटे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध का मान हम लोगों ने ज्ञात किया कैपिटल आर प्लस एन आर बटे एम, तो यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल आर प्लस एन आर बटे स्मॉल एम, इतना हमारा यही फार्मूला हो गया, इतने एम्पियर की धारा प्राप्त होगी कुल धारा का मान। अथवा इसी फार्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर लिख सकते हैं, आई बराबर अगर एम को ऊपर ले जाना चाहें तो ये हो जाएगा आई बराबर एम एन ई बटे हो जाएगा एम आर प्लस स्मॉल एन आर।
इतना एम्पियर, तो इसी ऊपर वाले फार्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना एम्पियर। अब मिश्रित क्रम में जोड़ने पर कब लाभ होगा इसको देखें हम लोग। तो अगर यहाँ पर देखें तो नीचे वाले का मान, ऐसे इन जनरल देख लें, नीचे वाले का मान जितने कम होगा, कम से भाग देंगे इसमें तो भाग ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हमें धारा ज़्यादा मिलेगी। अगली पॉइंट देख लें, कब हमें धारा अधिक मिलेगी, जब इसका मान न्यूनतम हो अथवा जीरो, लगभग कितना हो, शून्य हो। हर का मान जब लगभग जीरो के करीब होगा या बहुत कम होगा तो बहुत कम से भाग देंगे तो भाग ज़्यादा बार जाएगी तो आई का मान ज़्यादा आंसर आएगा, अतः हमें ज़्यादा धारा मिलेगी। तो लिख लें मैक्सिमम धारा आई प्राप्त करने हेतु कि आपके बुक में बहुत लंबा चौड़ा बताया, मैं उसको बहुत शॉर्ट कर दे रहा हूं। तो देखें, प्राप्त करने हेतु सूत्र में हर का मान बहुत कम अथवा लगभग शून्य होना चाहिए। शून्य होना चाहिए, जब लगभग ये शून्य के करीब होगा तो भाग जो है बहुत कम बार, भाग बहुत अधिक बार जाएगी और हमारे धारा का मान अधिक हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे अतः यम आर प्लस एन आर बराबर जीरो, या फिर यम आर बराबर एन आर, ऐसे लिख लेंगे। क्योंकि माइनस में प्रतिरोध, अब ये ना सोचें कि इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। प्रतिरोध स्मॉल आर सेल का न्यूनतम तो हो सकता है लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकता, कुछ न कुछ रहेगा, चाहे 0.001 ही रहे या 0.1 रहे, कुछ न कुछ आंतरिक प्रतिरोध रहेगा और वो लगभग जो है नगण्य रहेगा, या 0.001 रहे, 0.00002 ओम रहे, इस टाइप से रहेगा तो उसे हम लोग जो है नगण्य भी मान सकते हैं। तो इस तरह से इसे यदि इस पार ले जाएंगे तो ऋणात्मक ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा, माइनस में प्रतिरोध नहीं होगा। इस तरह से हम लोग लिखेंगे यम आर बराबर एन आर। यम आर क्या है और एन आर क्या है, तो आप यूं कह सकते हैं कि जब बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर का मान और सेलों का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर का मान आपस में बराबर हो, या यहाँ से पक्षांतर करके आप देख सकते हैं, तो यहाँ से अगर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आर बराबर एन आर बटे एम, ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा इसी को बराबर हम लोग लिख सकते हैं एन गुणे आर बाई एम। यहाँ पर देख लें, ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर ये लिखा हुआ एन आर बटे एम। एन आर बटे एम क्या है, कुल प्रतिरोध है, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध है और ये बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया गया तब परिपथ का कुल प्रतिरोध हो गया। ये देखिए कुल आंतरिक प्रतिरोध है, ये कौन सा प्रतिरोध है, कुल आंतरिक प्रतिरोध है। अब आपको दिख रहा होगा कुल आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर एम का मान है स्मॉल एन आर बटे स्मॉल एम, तो देखिए वो आ गया स्मॉल एन आर बटे एम। ये क्या है, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध है, ये सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध है और इसका मान किसके बराबर हो गया, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के बराबर हो गया। तो हम लोग इसे कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं, ये देखिए ना दोनों बातें आपस में दिख रही है,
इस तरह से कह सकते हैं कि जब सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो तब हमें जो है धारा मैक्सिमम मिलेगी। मैक्सिमम धारा प्राप्त करने हेतु ये कंडीशंस आ गई। तो अगली पॉइंट आप इसी जगह लिख लें, अतः जब बाह्य प्रतिरोध या लोड वाला प्रतिरोध, दोनों बातें, चाहे इसे बाह्य प्रतिरोध कहेंगे या लोड का प्रतिरोध कहेंगे, तो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर व सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध आपस में बराबर हों, आपस में बराबर हों, तब उन्हें मिश्रित क्रम में जोड़ने पर हमें अधिक धारा प्राप्त होती है अथवा लाभ होता है। इसे लिख लें, तब सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ने पर हमें अधिक धारा प्राप्त होती है, प्राप्त होती है अथवा हम लोग कहेंगे कि हमें लाभ होता है, अथवा आप कहेंगे हमें लाभ होता है। इस तरह से आपका तीनों खत्म हुआ। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं थोड़ा इससे। व्हीट स्टोन ब्रिज अथवा सेतु इसे कहेंगे। व्हीट स्टोन वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके सिद्धांत पर एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना बताया और जो उन्होंने सर्किट बनाया वो कुछ ऐसा बनाया कि उसका नाम सेतु अथवा ब्रिज, ब्रिज माने पुल होता है, हिंदी में सेतु कहते हैं। तो इसके द्वारा व्हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं, किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं परिपथ देख लें, व्हीट स्टोन ब्रिज साहब ने ये इस टाइप का एक सर्किट बनाया
जिसमें तीन प्रतिरोध पी क्यू आर ये तीनों ज्ञात होते हैं, जिसमें ये प्रतिरोध हैं पी क्यू आर और यस क्या है अज्ञात प्रतिरोध है, ये एस जो है अज्ञात प्रतिरोध है, इसी का मान ज्ञात करना। इन तीनों प्रतिरोधों के मान हम लोगों को ज्ञात रहते हैं, पता रहता है, इसी को हम लोग ऐसे परिपथ में लगाते रहते हैं और जब देखते हैं कि P बटे Q यानी P प्रतिरोध वाले में हम Q प्रतिरोध के वैल्यू से भाग दें और जितना आंसर आवे उतना ही R में S से भाग देने पर आवे, तो वो कब आएगा, तो उसके लिए उन्होंने एक बताया कि जब P बटे Q हम लोगों को नहीं मालूम है कि यस का मान कितना है, अब हम लोग जो है देखेंगे कि इसको ऐसा सेट करेंगे, इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे, इसको बदलेंगे इसको बदलेंगे इसको बदलेंगे और ये तो जस का तस रहेगा, तो बदलते बदलते सेट कर देंगे और जब एक ऐसी स्थिति आएगी कि गैलोनोमीटर, ये गैलोनोमीटर बीच में जुड़ा हुआ, अगर हम लोग जो है इसको ए सिरा माने, इसको बी सिरा माने और इसको सी माने और नीचे वाले को डी माने, तो आप देखें कि सी डी सिरे में एक गैलोनोमीटर जुड़ा हुआ है, तो इस गैलोनोमीटर में यदि डिफ्लेक्शन नहीं आता है, विक्षेप नहीं आता है, उसका पॉइंटर इधर उधर नहीं भागता है, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें जो है धारा का प्रवाह नहीं हो रहा, हम समझ जाएंगे कि तब इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो जाए हो रहा है और वही स्थित तब इस ब्रिज के संतुलन की। तो हम लोग परिपथ में लिखेंगे कि जब जब P बटे Q बराबर R बटे S हो जाता है तब गैलोनोमीटर में तब गैलोनोमीटर में धारा का प्रवाह प्रवाह नहीं होता है, ऐसी दशा में प्रतिरोध P Q व R के मान उपर्युक्त सूत्र में रखकर अज्ञात प्रतिरोध एस का मान ज्ञात कर लेते हैं। देख लें हम लोग इन प्रतिरोधों को अपने हिसाब से इसको हम लोग लगाएंगे, हमें मालूम है कि ये कै ओम का है, ये कै कितने ओम का है, ये कितने ओम का है, तो जब इनको हम ऐसा सेट करते जाएंगे बदलते जाएंगे और देखेंगे कि जैसे ही गैलोनोमीटर में धारा का प्रवाह होना बंद हो जाएगा वैसे ही गैलोनोमीटर का पॉइंटर का चलना बंद हो जाएगा, उस समय हम कहेंगे कि ये संतुलन की दशा हो गई, गैलोनोमीटर में धारा नहीं बह रही है, तब उस समय P बटे Q बराबर R बटे S हो जाता है और तब गैलोनोमीटर में धारा का प्रवाह नहीं होता है। ऐसी दशा में प्रतिरोध P Q R का मान हमें मालूम है और S जो यहाँ पर प्रतिरोध लगाए हैं इसका मान ही हमें ज्ञात करना है, तो इन जब तीनों का मान ज्ञात हो जाता है यहाँ पुट अप कर देंगे
तो पक्षांतर करके एस का मान ज्ञात कर लेते हैं। इस तरह से व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से हम लोग अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो अगली पॉइंट हम लोग चलते हैं फिर। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके द्वारा तमाम परिपथों में धारा का प्रवाह अथवा अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, तमाम इस पर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसे बहुत सावधानी से देख लें, समझ लें, आगे हम लोग चलते हैं। आगे पूछता है अधिकांशता की सेल का हम लोग विभव अथवा सेल का विद्युत वाहक बल हम लोग वोल्ट मीटर से यथार्थ माप सकते हैं अथवा विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर से ज़्यादा एक्यूरेट मापेंगे, ये प्रश्न अक्सर पूछता है। तो हम लोग कहेंगे विभव मापी से ज़्यादा शुद्ध हमें उसका विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा, न कि वोल्ट मीटर से। तो अगली पॉइंट आप लिख लें बेटा अपनी जानकारी के लिए। सेलों का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई को विभव मापी, जिसे आप पोटेंशियोमीटर कहते हैं, विभव मापी से शुद्धता के साथ मापते हैं, न कि वोल्ट मीटर से। अगली पॉइंट लिख लें, वोल्ट मीटर विक्षेप विधि पर कार्य करता है, अतः यह कुछ न कुछ धारा विक्षेप के लिए सेल से ले लेता है, अतः यह कुछ न कुछ धारा सेल से ले लेता है जिससे विद्युत वाहक बल का मान शुद्ध प्राप्त नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली पॉइंट आप लिख सकते हैं, जबकि विभव मापी अविक्षेप विधि पर कार्य करता है, अतः यह विद्युत वाहक बल का
एकदम शुद्ध माप प्रदान करता है। इसीलिए विभव मापी को आदर्श बोल्ट मीटर भी कहते हैं, आदर्श बोल्ट मीटर भी कहते हैं। अगली पॉइंट, जितना ही हमारे वोल्ट मीटर या विभव मापी का प्रतिरोध उच्च होगा, हमारे वोल्ट मीटर का अथवा विभव मापी का रेजिस्टेंस जितना उच्च होगा, उतने हमारे विद्युत वाहक बल का शुद्ध मान आएगा। इसलिए प्रतिरोध बहुत उच्च होना चाहिए। कभी कभी कहता है कि विभव मापी का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो हम लोग यूं कहते हैं कि अनंत होना चाहिए। जितना ही, अगली पॉइंट चाहे तो लिख लें, जितना ही वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होगा, उतना ही वह शुद्ध रीडिंग प्रदान करेगा या शुद्ध मापन करेगा। अगली पॉइंट चाहे तो लिख लें बेटा, वोल्ट मीटर परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, सदैव समांतर। ये भी बहुत पूछता है, सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है जबकि एम्पियर मीटर या धारा मापी है, धारा मापेगा वो वोल्टेज मापेगा वोल्ट मीटर, जबकि एम्पियर मीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये भी पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है और ये तो जो है बहुत बार पूछा है कि आप जो है सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापेंगे। बहुत क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 100,000 बार पूछा गया है कि सेल का विद्युत वाहक बल वोल्ट मीटर से अच्छा शुद्ध प्राप्त होगा अथवा विभव मापी से पोटेंशियोमीटर से शुद्ध प्राप्त होगा। तो पोटेंशियोमीटर से शुद्ध प्राप्त होगा क्योंकि वो अविच्छेद विधि पर कार्य करता है, और जबकि वोल्ट मीटर विच्छेप विधि पर कार्य करता है, इसलिए वो सेल से विच्छेप करने के लिए सेल से कुछ न कुछ धारा ले लेता है, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो सही विद्युत वाहक बल सेल का प्राप्त नहीं होता है, तो विभव मापी से ही प्राप्त होता है। इसलिए विभव मापी को आदर्श वोल्ट मीटर कहते हैं, और जितना ही ज़्यादा उच्च प्रतिरोध उसके अंदर लगा होगा उतना ही वो ज़्यादा शुद्धता से मापन करता है विद्युत वाहक बल का, EMF। ठीक, आप लोग ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसे ध्यान से देख लें, जिसे हाई रेट
डिस्चार्ज सेल टेस्टर बोलते हैं, इसके द्वारा हम लोग सेल की अथवा बैटरी की पोजीशन ज्ञात करते हैं कि वो पूर्णतया चार्ज है अथवा कम चार्ज है। ये सब बातें जहाँ पर उत्पादन होता है सेलों का, वहाँ पर भी इसके द्वारा चेक किया जाता है। और ये कई बार आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि सेल हमारा चार्ज है अथवा नहीं चार्ज है या कम चार्ज है, उसको ज्ञात करना हो तो हम किस टेस्टर से ज्ञात करेंगे, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देख लें, हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर से ज्ञात करेंगे। अगर विकल्प में बेटा ये देता है तो आप यही पॉइंट आप नोट कर लें और इसमें देखेंगे कि दो टर्मिनल बने हुए हैं जो कि सेल के दोनों टर्मिनल पर ये सेट हो जाते हैं, और फिर इसमें एक गैलोनोमीटर लगा हुआ है जो कि ये डिफ्लेक्शन देता है और ये बताता है अगर इसमें पॉइंट आपका दो तक गया हुआ, इधर भी दो तक इधर भी, तो हमारे सेल का विद्युत वाहक बल मैक्सिमम 2.2 वोल्ट होता है, तो अगर वहाँ तक जाता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा सेल फुल चार्ज है, अथवा यदि दो से कम रहता है, वहाँ तक पॉइंटर नहीं पहुँचता है, तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारा सेल अभी फुल चार्ज नहीं है, इसे और चार्ज करने की ज़रूरत है। धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज यहीं हम लोग टॉपिक समाप्त करते हैं। शेष फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और इस पर तमाम ढेर सारे IIT रुड़की और आपके तमाम CPMT वगैरह के पूछे गए सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जाएंगे सेल व बैटरी से संबंधित।